अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुजरांवाला प्रॉपर्टी ग्रुप के साथ मेरा नाम है असफंद यार। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 5 मरले का एक खूबसूरत मॉडर्न स्टाइल हाउस। व्यूअर्स, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वाफे सिटी ब्लॉक FF के अंदर वाकया है और इस घर की बहुत ही रीज़नेबल डिमांड है। सिर्फ़ और सिर्फ 1,90,00,000 रुपये में मिलेगा आपको ये शानदार हाउस। व्यूअर्स, अगर इसकी अकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4 मास्टर साइज बेडरूम विद अटैच वाशरूम देखने को मिल जाएंगे। आए व्यूअर्स, आपको इस घर का टूर करवाते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इस घर का खूबसूरत सा एलिवेशन। अगर मैं इस घर के एलिवेशन की बात करूं तो ये मॉडर्न स्टाइल के अंदर इस घर के एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके पास आ जाएगा इसका खूबसूरत सा लॉन। उसकी बैक पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा मोज़ाइक का काम हुआ है। ये आपके पास आ गया आपका मेन गेट और उसी के साथ साथ ये आप देखें तो आपके पास डबल टेरेस है। इसके टेरेस में ब्लैक टिंटेड विंडोज़ का काम किया गया है और जो इसकी ग्रिल्स हैं उसके अंदर भी ब्लैक टिंटेड मिरर लगे हुए हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इस घर का रैंप। और अगर मैं इसके कारपोर्ट एरिया की बात करूं तो यहां पर आप इजीली एक कार पार्क कर सकते हैं। बहुत खुली डुली स्पेस है आपके पास। ये आपके पास आ गए इसका खूबसूरत सा सीलिंग वर्क। ये आपके पास आ गई आपकी वॉल लाइट्स और ये आपके पास ट्रेबोटिन का काम आ गया इधर। और उसी के सामने अगर आप देखें तो मोज़ेक के अंदर बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आयत लिखी हुई है। और ये आपके पास आ जाती है आपकी गली की स्पेस। और ये जो इसके पिलर्स हैं ये इटालियन स्टाइल के अंदर इसके पिलर्स चौक के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। अब इसके सामने अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास आ गया आपका मेन डोर घर के एंट्रेंस का। और उसी की राइट पे अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा आपका पाउडर रूम। अब चलते हैं इस घर के ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत सा इस घर का लिविंग एरिया है। अगर आप इसके लिविंग एरिया में देखें तो ये आपके पास आपकी हॉल प्लस डाइनिंग स्पेस कंबाइन है। ये आपके पास ड्राइंग रूम की स्पेस है। ये आपके पास हॉल, उसकी बैक साइड पे प्रॉपर सारी वॉल को तैयार किया गया है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फैन और उसी के ऊपर खूबसूरत सा सीलिंग वर्क, बहुत ही प्यारी लाइट्स हैंगी हुई हैं। ये आपके पास बैक साइड पे इसके आगे विंडो, आगे कर्टन्स और ये आपके पास आ जाती है इसकी मीडिया वॉल। और इसी के साथ साथ इस डोर को अगर मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत ये भी मिरर लगाया गया है और उसी के बैक पे इसको भी प्रॉपर तैयार किया गया है। ये आपके पास आ गया आपकी स्टेयर केस। और अगर इस साइड से देखें तो यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक मास्टर साइज बेडरूम देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ साथ आपका किचन। अब ये जो फैंस हैं ये भी AC/DC हैं, आप इसको थ्रू रिमोट से एक्सेस कर सकते हैं। एसके फैंस के इधर फैंस लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, इजीली आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। ये आपके पास आ गई आपकी बेडरूम की स्पेस और इसी के बैक पे अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर का काम हुआ है। ये उसके ऊपर इसका सीलिंग वर्क, फ़ैन, जो इसकी अंडरग्राउंड AC की सारी वायरिंग ऑलरेडी हुई हुई है। ये आपके पास आ गए आपका विंडो। ये आपके पास आ गई आपकी वार्डरोब्स और इसी के मिड में मीडिया वॉल। इस घर की सबसे खूबसूरत मुझे वैसे इसका वॉशरूम बड़ा यूनिक सा लगता है। ये आप देखें, ये बोल शेप की इसकी वेंटी है, उसके ऊपर एक्स शेप मिरर। ये आपके पास कंबोर्ड आ गया और ये आपके पास आ गया आपका शॉवर एरिया, बहुत ही खूबसूरत सा मिरर है। अगर आप इसको लाइव देखेंगे तो बहुत आपको यूनिक सा लगेगा। ये इसके डोर स्टाइल्स हैं, सेमी सॉलिड इसके डोर्स हैं। अगर आप देखें सेमी सॉलिड डोर्स हैं, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन किया हुआ, डिसेंट सा आपके घर के मुताबिक। ये जो है इसके, ये जो इसकी स्टाइल दी हुई, ये भी इटालियन स्टाइल के अंदर इस घर के जो कर्व्स हैं ये उसके अंदर इसको मोल्ड किया हुआ है। अब चलते हैं जी इसके किचन की तरफ। अगर आप किचन में देखें तो यहाँ पर आपको ये टाइल्स मिल जाएंगी जो मैट फिनिशिंग के अंदर है। और ये आपके पास आ गई आपकी डबल हाइटेड डोर्स, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास सारा एरिया है, जिसमें आपके ये शेल्फ के ऊपर आपको मिल जाएगा आपका हुड एंड नॉब। यहाँ पर आपका आ गया सिंक और ये आपके आगे फ्रिज स्पेस और ये आपके पास आ गया इसके किचन का सीलिंग वर्क, ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। इस घर का जो बेसिक थीम है
वो ग्रे ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर ही है, जिसमें आपको बेज कलर मिल जाएगा, ग्रे कलर मिल जाएगा लाइट सा, बहुत ही लाइट और डार्क थीम के अंदर इसको किया गया है। अब व्यूअर्स चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए अगर इसके आप स्टेयरकेस का मार्बल देखें तो ये ब्लैक मार्बल का इधर इस्तेमाल किया गया है। ये आप देख सकते हैं जी, उसका खूबसूरत सा वॉल वर्क। अच्छा, तो अब आपको इसका किचन दिखाते हैं थोड़ा क्लोज से। ये आप देखिएगा, ये आपके पास आ गए आपके थ्रोट सारे रैक्स डबल हाइटेड, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका वुडन नॉब। ये आपके पास आ गया सिंक, और बैक साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो। ये आपके पास आ गया आपकी फ्रिज स्पेस। इसी के साथ साथ अगर बात करें इस घर में टोटल जो फैंस हैं हर रूम में, वो AC/DC हैं। आप उसको इजीली कंट्रोल के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिएगा इस घर की खूबसूरत सी सीलिंग वर्क। देखें तो ये आपके पास जो कर्टन्स हैं ये बहुत ही यूनिक स्टाइल्स में है। बैक साइड पे आपके पास विंडो है। ये आपके पास आ गया आपकी लिविंग स्पेस। बैक साइड पे आपकी बेड वॉल, और ये उसके ऊपर वॉलपेपर का काम हुआ हुआ है। और उसी के साथ साथ आपको सामने मिल जाएंगे आपकी वार्डरोब्स, और अटैच की अगर मैं वॉशरूम देखूँ तो बेसिकली उसी तरह की आपको मिल जाएगी वेंटी मिरर और कमबोर्ड, और ये शावर एरिया। इसकी भी लाइट आई गेस ओके ऑन थी, ये देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं जी इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। इस फ्लोर के इस दूसरे बेडरूम के ऊपर ये देखिएगा आपके पास जो स्पेस है, इसका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ये आपके पास आ गई आपकी विंडोज़ और कर्टन्स, बैक साइड पे आपकी बेड वॉल और वॉलपेपर। ये उसका खूबसूरत सा डिसेंट सा सीलिंग वर्क। और यहाँ पर आप देख लें आपके पास आ गया आपकी वार्डरोब, और जो आपका वुडन स्टाइल है उसी तरह से। ये जो आपके पास थोड़ा सा वॉकिंग स्पेस है थोड़ी सी, यहाँ पर भी आपको विंडो मिल जाती है जहाँ पर आपके टेरिस की एक्सेस है आपके पास। और उसी के साथ अगर हम देखें इसके वॉशरूम को, तो यहाँ पर जितने भी इस टाइम ये मिरर्स लगाए हैं सारे सारे एक्स शेप्स हैं। और ये आपके पास आपका वेंटी मिरर कमोड, और ये आपके पास आ गया जी इसका सेपरेट शावर एरिया, और ऊपर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, तो जी अब चलते हैं हम इसकी सेकंड स्टोरी की तरफ। ये आप देख लीजिएगा उसी की तरह का मार्बल थ्रू आउट आपको एंड तक मिलेगा। और ये आपके पास आ गया आपके रूफ टॉप का दरवाज़ा, और उसी के साथ आपको मिल जाएगा एक बेडरूम। अगर आप इसमें देखें तो ये आपकी बेड स्पेस है, जिसमें आपके पास विंडो, कर्टन्स, फैंस, और ये आपके पास उसका सीलिंग वर्क, और इधर भी वार्डरोब का काम हुआ हुआ है, और इधर भी थ्रू उसी तरह का AC/DC इन्वर्टर फैन लगे हुए हैं। और ये आपके पास आ गई जी आपकी उसी तरह की वेंटी मिरर और फ्लश, और ये शावर एरिया। काफ़ी लोग होते हैं जो इस तरह की सबसे ऊपर वाली मंजिलों में आके ये काम नहीं करते, कुछ वॉशरूम को उस तरह से नहीं बना पाते, कुछ रूम को नहीं डिज़ाइन कर सकते, लेकिन आपको थ्रू आउट नीचे से लेके ऊपर तक इस घर में आपको सेम वही थीम और फील मिलेगी जो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर से देखते आ रहे हैं। ये हम इसके इस टाइम रूफ टॉप की तरफ। ये आप देखेंगे तो ये आपके पास ऊपर आ गया आपकी ममटी, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वाटर टैंक। ये आपके पास आपकी लॉन्ड्री स्पेस आ गई, और ये आपके पास आ गई आपकी रूफ स्पेस। तो व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अगर हमारी कोई भी गलती बताई है, ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर अंदाज से आपके सामने ला सकें दुरुस्त करके। ओके जी, इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।